आज सब लोग एक एक पैक ज्यादा पियेंगे। दोनों जहां जीत लिया, दिल भी दुनिया भी। भाई उस सनकी असलम को मत बुलाना। क्यों? रंग में भंग कर देगा साला। अलग ही दुनिया में है आजकल। मेरे पास भी आया था वो, बस कुर्ता फटा हुआ नहीं था, बाकी तो मजनू का भांजा लग रहा था वो। भाई वो थोड़ा परेशान है आजकल, बहुत चाहता है उस लड़की को। है कौन ये लड़की, हाँ कैसी है? नहीं वैसे तो बहुत अच्छी है लड़की, पर ऊपर का माल थोड़ा खाली है। ये असलम एक दिन उसको गलती से बता दिया कि वो जहाँ तक पढ़ी है उसको अंग्रेजी में इंटरकोर्स कहते हैं। सच मान ली, बोलती फिरती थी कि मैंने ये वाला कोर्स किया है, मैंने वो वाला कोर्स किया है। नाम क्या उसका? क्या हुआ भाई? नाम क्या उसका? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हमें यहाँ से निकलना होगा असलम, हमारी मदद करो। देखो डरने की कोई बात नहीं है, शोएब भाई है ना? शोएब कहाँ है वो? वो आएंगे। नहीं इससे पहले वो यहाँ पहुंचे, ले चलो मुझे कहीं दूर, मदद करो हमारी, बचा लो हमें शोएब से। क्या? मुझे शोएब से आजादी दिला दो असलम, या फिर यही जहर का इंजेक्शन देके मार डालो हमें। पता नहीं कब से मेरे खिलाफ जहर भर रहा होगा जैस्मिन के कानों में। सांप की तरह कुचल दूंगा साले को। जिंदगी खराब करने से तो अच्छे से मिटा ही दूं। हमें डर लगता है शोएब से। तुम्हारे प्यार ने उन्हें बदल दिया है। नहीं असलम, शोएब जैसे इंसान का मिजाज बदल सकता, फितरत नहीं। उसकी फितरत में ही धोखा था साला। जिस दिन मैंने उसके सर पर हाथ रखा था उस दिन भी साला किसी को धोखा दे रहा था। जैस्मिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। जैस्मिन से प्यार होगा, जबरदस्ती से प्यार होगा, वहाँ प्यार नहीं होता, नहीं हो सकता वहाँ प्यार। शोएब भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारा हर सपना देखने से पहले पूरा कर सकते हैं वो। शायद तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे असलम, पर इतना समझ लो वो मुझे छीन सकता है, पा नहीं सकता। जिस तरह बंबई जीता है दोबारा, उसी तरह जैस्मिन को भी जीत लूंगा। मैं शोएब से इसलिए मिलने जा रही थी ताकि उसके सामने अपनी जान दे सकूं, साबित कर सकूं कि मैं कोई शहर नहीं जिसे वो जीत सकता है, अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हमें यहां से निकलना है अभी। शोएब भाई से प्यार नहीं करती, मुझे भी लाल झंडी दिखा रही है, चक्कर क्या है? कोई चौथा है क्या? तुम ना इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ो। अब? अब क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसे किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ?
चलो उधर देखते। आज जिस शोएब की खबर हमें मुखबिरों से मिल जाती है, अगर यह हाथ से निकल गया तो कल इसी खबर के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने होंगे। यह आखिरी मौका है उसे रोकने का सावन। सारे हाईवेज, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स हमारे घेरे में है सर। रावल को मारने के बाद शोएब का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो बंबई छोड़कर भागने की कोशिश करेगा जरूर, मगर कामयाब नहीं हो पाएगा। असलम, ये कैसे हो गया? सब ठीक तो है ना? चाचा, जैस्मिन का ध्यान रखना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम? मेरा और शोएब भाई का रिश्ता खून से बढ़कर है। गुस्से में दो चार थप्पड़ मार लेंगे, पर जान थोड़ी ना लेंगे। तेरी इनिंग खल्लास, अब भाई और जैस्मिन की शुरू। साल की वफादारी एक गोली से खत्म कर दी। अगर अब बात जिद की आ गई है तो मैं भी जब तक जिंदा हूं जैस्मिन के लिए जिंदा हूं। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी दब गया तो जीना मिट्टी है। असलम, गलती मेरी ही थी जो अकबर को भेजा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब तुझे कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि साले तुझे तो मैं ही मारूंगा। ठीक है, फिर आप अपनी बात पे कायम रहना और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा।